हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML टेबल्स की। हमने पिछले वीडियो में HTML के इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देखा था, ड्यू के बारे में समझा था। तो अगर आपने वीडियो रेफर नहीं किया होगा अभी तक, उसको देख लेना, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको HTML में वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज मिलने वाली है जो कि आगे इंपॉर्टेंट है। तो उसको देख लेना और प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, सेव कर लेना। चलिए बढ़ते आगे और पढ़ते HTML टेबल्स को। इस वीडियो के अंदर हम उसके सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कॉल स्पैन, रो स्पैन क्या होता है, HTML में टेबल कैसे क्रिएट करना है और उसके क्या महत्व है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे हम जाएंगे और टेबल, HTML टेबल ये कोई अलग चीज़ नहीं है। आपने सबने एक्सेल पे काम किया होगा, MS Excel की बात कर रहा मैं, उसके ऊपर काम किया होगा। तो उसमें आप देखते होंगे कि स्प्रेडशीट बनी होती होंगी जिसके अंदर कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे कुछ कॉलम्स दिखते होंगे, इनको अपन कॉलम बोलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ आपको रोज दिखते होंगे जिसको अपन रो बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीन कॉलम है और 1, 2, 3 तीन रोज है। और ये जो दिख रहा है आपको ये बॉक्स, इसको मैं C1 बोलूँगा, इसको बोलते हैं अपन सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सेल। तो इसके अंदर ही हमारा डेटा होता है। ऐसा यहाँ पर एक C2 है और ऐसा यहाँ पर C3 है, यानी कि ये हमारे सेल है। इसके लिए मैं उसको सी बोल रहा हूँ, कॉलम का नहीं है वो। तो सेल 1, 2, 3, फिर सेल 4, सेल 5, सेल 6, ऐसे हमारे पास में टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो 9 है सेल्स। तो ये 9 सेल्स के अंदर 9 डेटा आएगा। तो इसको हम देखेंगे और इसी को बोलते हैं अपन टेबल। तो HTML के अंदर हम ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं वो अभी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने HTML पे जाऊँगा और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे टेबल डॉट HTML और टेबल एल कर देता हूँ मैं, टेबल लर्न कर देते हैं अपन इसको। और इसके अंदर आपको पता है क्या करना है हमको, यहाँ पे आपको दबाना है शिफ्ट और 1, तो आपके सामने ये आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे टाइटल दे देते अपन टेबल लर्निंग, ठीक है। उसके अंदर आप यहाँ पे आप एक हेडिंग दे सकते हैं, इसके अंदर हम देख लिख देंगे HTML टेबल। और यहाँ पर उसके बाद में अब आपको क्या करना है, टेबल का कोड क्या है वो देखना है। तो अब यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ टेबल, तो देखो MIT एब्रिविएशन हमको सजेस्ट कर रहा है, तो मैंने टेबल लिखा तो यहाँ पर टेबल करके एक टैग आ गया। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर आ जाता है हमारा एक TR यानी कि टेबल रो, इसको बोलते हैं। और एक चीज़ है जो कि उसके अंदर आएंगी, वो है हमारा टेबल डेटा यानी कि TD। और वो जो सेल मैंने बताया था, जैसे हमारे पास 9 सेल थे, वैसे अब हमारा ये रो का पहला सेल हो गया है जिसके अंदर मैं मेरा नाम लिख सकता, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर अभी ये आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ और हम इसको देख सकते हैं कि क्या पॉपुलेट हो रहा है। तो अभी देखो आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है बट ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये। तो इसके लिए मैं पहले आपको लेके चलता हूँ वन नोट पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको क्या चाहिए और कैसे वो बनता है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पास में ये ऊपर एक टेबल है। अब HTML में क्या होता है कि ये जो टेबल हमारा टैग है इसके अंदर आ जाता है TR टैग। TR टैग ये टैग रो के लिए होता है, यानी कि ये जो आप पहली रो देख रहे हो, ये रो जो देख रहे हो आप, ये रो अगर आपको बनानी है उसके लिए आपको TR दिखना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आप देख रहे हो कि एक डेटा है यानी कि एक सेल है, ये सेल बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा TD, ठीक है, टेबल डेटा। अगर ये हेडिंग है, मोस्टली हमारा पहला जो रो होता है वो हेडिंग ही होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट TD, मैं इसको कर दूंगा TH, टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर नेम, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये जो टेबल का पहला सेल है ये सिर्फ नेम दर्शाएगा। अगर मैं इसको TH कर देता हूँ तो ये थोड़ा बोल्ड में दिखेगा, हेडिंग के जैसा दिखेगा। TD कर देता हूँ तो नॉर्मल डेटा जैसा दिखेगा, हम वो देखेंगे भी। अब उसके बाद में यहाँ पर हमारे इसमें सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ टेबल का हेडिंग ही रहेगा यानी कि नेम ही रहेगा, नहीं, हमारे टेबल में और भी अलग कॉलम आएंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी देखो, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ पे अपन देखेंगे। तो अभी तो यहाँ पे नेम आ गया पहले इसमें, उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे को दूसरा हेडिंग चाहिए एज, तो मैं यहाँ पे दूसरा हेडिंग दे दूंगा एज।
तो अब ये देखो रो का पहली रो चालू है अभी हमारी, और उसके अंदर दूसरा जो डेटा आ गया है वो हो गया एज। अब तीसरा, एक स्टूडेंट का मैंने नेम ले लिया, एज ले लिया, अब उसके साथ साथ तीसरी मैं उसकी ले लूंगा यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर ले लूंगा मैं उसका। तो थर्ड हमारा जो हेडिंग आ गया है वो आ गया है रोल नंबर, ठीक है। और अब इसके बाद में ये रो मेरे को खत्म करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश टी आर। तो इस प्रकार से आपको एक रो बनानी है, रो के अंदर जो कॉलम होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। अब इसकी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर नीचे, जैसे कि अभी यहाँ पे C4 C5 लिखा है, अब ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे मेरे को अभी वैल्यूज देनी है, तो अब उसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे और एक रो चाहिए, तो रो के लिए क्या होता है हमारे पास में टी आर होता है, तो मैं यहाँ से फिर से टी आर लिखूंगा, यहाँ पे टी आर लिखा। अब उसके अंदर मुझे नॉर्मल डेटा चाहिए, तो पहले सेल के अंदर मैं टी डी लिखूंगा, यानी कि टी डी यानी कि टेबल डेटा, उसमें मैं मेरा नाम लिखूंगा और स्लैश ट्री। तो यहाँ पर नेम के नीचे जय आ जाएगा। अब उसके बाद में दूसरा हेडिंग क्या है, एज है, तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा टेबल डेटा एज देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एज दे दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएंगी हमारी एज, और उसके बाद क्या चाहिए इनको, रोल नंबर चाहिए, तो फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा टी डी, हमारा रोल नंबर, रोल नंबर लिख दिया मैंने। इस प्रकार से यहाँ पे हमारी ये रो अब खत्म हो गई, तो यहाँ पे अब ये रोल नंबर आ गया है 2345। अब नेक्स्ट रो आपको बनानी है खुद से, अब इसके लिए आप क्या कोड लिखोगे आपको पता है, आप यहाँ पे नेक्स्ट रो आपको बनाना है, तो नेक्स्ट रो के लिए आप टी आर लिखोगे, उसके बाद में यहाँ पे उसका टेबल डेटा लिखोगे, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद में टेबल डेटा, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे आ गया एज, और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ पर आ जाएगा अपना नेक्स्ट रोल नंबर, और ये हमारी थर्ड रो भी खत्म हो गई। ऐसी आप मल्टीपल रोज बना सकते। अब ये आप जब कर दोगे तो आपका एक टेबल दिखने लगेगा। अब वो जो मैंने आपको सिखाया वही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो मेरी पहली रो, तो मैंने टेबल लिखा, ठीक है, अब उसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहली रो बनाऊंगा, टी आर लिखा मैंने, और उस टी आर के अंदर मेरे को पहले हेडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, और दूसरा कॉलम जो रहेगा मेरा वो रहेगा एज का, तीसरा कॉलम रहेगा मेरा रोल नंबर का, ठीक है। ये हो गई मेरी पहली रो। दूसरी रो लिखता हूँ मैं यहाँ पे टी आर, उसके अंदर टेबल डेटा लिखूंगा मैं, मेरा नाम लिख दूंगा, उसके बाद में यहाँ पर मेरे को एज लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग गलती से लिख दिया टेबल डेटा, हाँ, उसके अंदर रोल नंबर, अब आपको रोल नंबर जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। अब एक हो गया बंदा, अब एक रो और बन गया हमारे, हम दूसरी रो बनाता हूँ जिसके अंदर मेरे को एक नाम लगेगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया शुभम, उसके साथ साथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी डी उसका एज, उसके बाद में यहाँ पर टी डी उसका रोल नंबर, तो वो कुछ भी, ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब इसको अगर अपन देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ये बन गया हमारा एक टेबल, लेकिन टेबल कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, अगर देखते हैं इसको तो ये कुछ इतना खास दिख नहीं रहा है, तो बट ये टेबल है, इसको अभी बॉर्डर नहीं है, इसके लिए आपको कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा। अगर आपको इसको बॉर्डर देनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, स्टाइल का यूज करना पड़ेगा, और स्टाइल कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा स्टाइल लिखूंगा, और स्टाइल के अंदर मेरे को यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर टेबल लिखा और उसके अंदर मुझे उसको देना है बॉर्डर, तो बॉर्डर दे दूंगा मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखते हैं अपन जाके, हमारे इसको एक बॉर्डर आ चुकी है। अब ये टेबल को आइए सिर्फ बॉर्डर, लेकिन मुझे तो इन सेल्स के बीच में भी बॉर्डर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल लिखा हूँ मैंने, साथ में मैं टी एच लिखूंगा और टी डी भी लिखूंगा, ठीक है। और अब देखते हैं अपन, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी टी एच और टी डी थे, यानी कि हमारे जो हेडिंग्स थे और हमारा जो डेटा था, उनको दोनों को भी अब ये इस प्रकार से बॉर्डर आ चुकी है, लेकिन ये बॉर्डर कुछ अच्छी नहीं दिख रही, तो इसको अपने को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स करके एक प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे यूज कर सकते, तो कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स कर देना आप यहाँ पे। तो अब जाके आप देखोगे तो ये कुछ थोड़ा शिद्दत से हमारा टेबल लग रहा है, ठीक है। अब ये टेबल है, अब इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अच्छे से इसके अंदर और डेटा ऐड कर सकते हैं। तो अभी अपन ने बस उसको बॉर्डर ऑर्डर दे दिया है।
अब अपने को यहाँ पर टेबल का इतना नॉलेज आ चुका है कि कैसे बनाना है, बॉर्डर ऑर्डर कैसे देना है, कलर वगैरह भी आपको देना है तो आप वो भी यहाँ पर बैकग्राउंड में दे सकते हैं। जैसे कि अगर इसको बैकग्राउंड कलर आप दोगे स्काई ब्लू वगैरह, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखो कलर वगैरह भी आप दे सकते हैं इसको। अब इसकी कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि अभी तक हमने टेबल को कैसे बनाना है वो देख लिया, टेबल के सेल्स क्या होते हैं, टेबल डेटा, टेबल रो उसको क्या बोलते हैं, सब अपन ने यहाँ पे देख लिया। हेडिंग वेडिंग, टेबल बॉर्डर्स के ऊपर भी अपन गए थे, अपन ने ये भी चीज़ करके देख ली है, कोलैप्स करके भी देख ली है। स्टाइल देख सकते हो आप यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हमने देखे देखा तो ऐसा कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, TH हमारा जो है यहाँ पर जो टेबल के जो सेल्स है उनको ही सिर्फ अपने को बैकग्राउंड कलर देना है। तो अपन कुछ इस प्रकार से देंगे, अपने यहाँ से हटा देंगे इसको और उसको रखेंगे इसमें, और अभी देखेंगे अपने टेबल को तो अभी वो कुछ फर्क नहीं होगा, बस ऐसा ही दिखेगा। अब उसके अंदर आपको राउंडेड अगर बॉर्डर्स बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। वो कैसे, तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी बाहर की भी बॉर्डर थोड़ी सी रेडियस की हो जाएंगी, यानी कि सर्कुलर हो जाएंगी, और अंदर का डेटा भी सर्कुलर हो जाएगा। तो उसके लिए एक तो बॉर्डर रेडियस, देखो बॉर्डर की प्रॉपर्टी है तो आप वो यहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल दे दिया तो थोड़ा सा ही हो जाएगा राउंड, देखो बहुत कम राउंड हुआ है अभी, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अभी इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, 40 कर देता, तो देखो ये अंदर का डेटा कैसा है इसके, राउंडेड राउंडेड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये डेटा राउंडेड होने लग गया है। उसके साथ साथ अगर आपको अंदर के सेल्स को ही देना है तो वो भी हम कर सकते। तो यहाँ पर अभी तो अपन ने क्या किया है, यहाँ पर बॉर्डर दिए सब इसको, टेबल टेबल हेड टेबल डेटा को, बॉर्डर कोलैप्स भी करके रखी है हमने। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और फिर जाऊँ तो देखो ये कुछ ऐसा है, मतलब जिन लोगों ने कोलैप्स प्रॉपर्टी नहीं लगाई है तब क्या होता है, हमारे बॉर्डर जो रहती है टेबल की आजू बाजू की वो भी सर्कुलर होती है और अंदर का डेटा भी सर्कुलर होता है। लेकिन अपन ने क्या करके रखा था, बॉर्डर कोलैप्स करके रखा था, करके अपना यहाँ पर जो बाहर की बॉर्डर थी वो कोलैप्स नहीं हो रही थी, सिर्फ अंदर की जो बॉर्डर है वही रेडियस हो रही थी, ये बाहर की रेडियस हो नहीं रही थी, नहीं सर्कुलर हो नहीं रही थी। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ अंदर की इसको ही करना है। तो अपन क्या करेंगे, उसको वहां से निकालेंगे और सिर्फ इनको ही देंगे ये प्रॉपर्टी, ताकि अंदर का ये डेटा सिर्फ ये हो जाए। और इस ये कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा सर्कुलर, तो अपन क्या कर सकते हैं, बाहर की ये भी हटा सकते हैं, या फिर उसको जितना आपको देना है वो बराबर आप दे सकते हो। अब 40 कुछ ज़्यादा ही हो गया, मेरे को यहाँ पर उसको रखना पड़ेगा 16 रख देता हूँ मैं, ठीक ठाक रहेगा अपना, तो ठीक है इतना। तो ऐसे कुछ अपन रेडियस दे सकते हैं, डिपेंड करता कंटेंट कितना है उसके ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ अपने डेटा को चले जाएगा। और बॉर्डर की स्टाइल आपको पता है, बॉर्डर स्टाइल इतने प्रकार के, डॉटेड डैश सॉलिड, तो आपको जो स्टाइल लेना है बॉर्डर स्टाइल आप वो यूज़ करो, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पर डॉटेड अगर यूज़ करूँगा मैं तो डॉटेड डॉटेड बन जाएगा, देखो डॉटेड वगैरह हो गई वो बॉर्डर। तो ऐसा है, ये हो गया अपना बॉर्डर का काम, यहाँ पे अपन ने देख लिया है। बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं आप, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टेबल की साइजेस को बढ़ाना अगर आपको है, सपोज मेरे को टेबल HTML टेबल्स, अभी अपना जो टेबल है वो डिपेंड कर रहा है उसकी साइज उसके कंटेंट पे, यानी कि मेरा नाम इतना है करके इस देखो शुभम बड़ा है थोड़ा सा लेंथ में करके इतनी जगह ले रहा है, एज छोटा है तो इतनी इतनी जगह लिया, रोल नंबर इतना है, तो बराबर जितनी उसको जगह लग रही उतनी ले रहा है। लेकिन मेरे को उसको फिक्स एक लेंथ दे देनी है टेबल को, टेबल के रो को, टेबल के हेडिंग को फिक्स लेंथ देनी है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, उसको बोलते टेबल की साइजेस। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर HTML टेबल कैन हैव डिफरेंट साइजेस फॉर ईच कॉलम रो और द एंटायर टेबल, आप एक कॉलम को एक रो को या फिर पूरे टेबल को क्या कर सकते हैं, साइज दे सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा विथ और हाइट प्रॉपर्टी। स्टाइल यूज़ करेंगे विथ और हाइट प्रॉपर्टी से और स्पेसिफाई करेंगे टेबल की रो और कॉलम की साइज को। कुछ नहीं, आपको अगर पूरे लेंथ मतलब जितनी अपनी स्क्रीन है उतना पूरा फैलाना है उसको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जाओगे अपना टेबल जहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे लिख देंगे अपन टाइल, और उसके अंदर विड्थ यूज करेंगे 100%, ठीक है। अब जाते हैं अपने टेबल को देखते, देखो उसने पूरी स्क्रीन की जितनी साइज है उतना ले लिया है, और ये थोड़ा ठीक ठाक भी लगता है। अगर आप उसको 50% करोगे तो वो हाफ साइज लेगा अपने स्क्रीन की, देखो 50 पे आ गया है, और ये थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि
जितना कंटेंट है उतनी साइज लेके अच्छा नहीं, कंटेंट कभी भी चेंज होगा, किसी का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो आधा कम ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे अच्छा ये सही लगता है। अपन ने अभी एंटायर टेबल की साइज चेंज कर दी, और अपने को सिर्फ कॉलम की साइज चेंज करना है, वो भी दूसरे नंबर के कॉलम की। तो अपन क्या करेंगे, अपने को अगर सपोज इस कॉलम की साइज चेंज करनी है तो अपन वो भी कर सकते, मतलब दूसरा कॉलम है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर देखो TH पे जाएंगे और उसकी साइज करेंगे 70%। तो अभी मैं यहाँ पे इसको 100 कर देता हूँ, कॉलम जो कि सीधे होते वर्टिकल होते कॉलम, उसकी अपने को स्टाइल चेंज करना है, विड्थ 70% रखनी है, मतलब बाकी सब डिवाइड हो जाएंगे 100 के हिसाब से, लेकिन ये देखो ये खुद 70 हो गया, बाकी को उसने दबा दिया है आजू बाजू में, ये 70 ले रहा है खुद अकेला। तो अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं एज के लिए, देखो 70 मिल गया अपने को, और कुल मिला के तो 100 है ही। और अगर अपने को रो को देना है तो रो को भी अपन दे सकते, तो रो के लिए क्या करेंगे अपन विड्थ नहीं यूज करेंगे, रो के लिए अपन क्या करेंगे हाइट यूज करेंगे, अपन ने विड्थ प्रॉपर्टी यूज कर ली, अपने को हाइट प्रॉपर्टी यूज करना है, क्योंकि रो जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो उसको ऊपर से साइज चाहिए, तो उसको अपन जब हाइट देंगे तो वो उसका कुछ काम होगा, तो अपने को यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर स्टाइल इक्वल टू हाइट में यूज करके देख लेता, इसमें जाते हैं अपन अभी, और यहाँ पे इन्होंने जैसे कि बताया TR स्टाइल इक्वल टू हाइट 200 पिक्सल, तो पिक्सल में अपने को यहाँ पर देना पड़ेगा, TR स्टाइल हाइट इक्वल टू 200 पिक्सल कर देते अपन। अब देखते तो पिक्सल में दिया तो बराबर आ रहा है अभी, देखो ये इसने खुद ने अपना 70 कायम रखा है विड्थ में, एज ने दूसरे कॉलम ने और दूसरे रो ने खुद ने अपनी हाइट बढ़ा ली है, तो ऐसे अपन काम कर सकते हो, और इसे बहुत काम में रहा है। एक्सेल में भी ये चीज़ें डायरेक्टली होती है, लेकिन अगर आपको वेबसाइट बना रहे हो तब उस पर अगर आपको टेबल पे खुद पे काम करना है तो आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने ऐसे इसके साइजेस फिक्स कर ली, तो ये था साइजेस के बारे में। टेबल की हेडिंग्स आपको देनी है तो वो अब हम पे देख लेते हैं। टेबल की हेडिंग TH से देते हैं, आपको पता है, तो वर्टिकल टेबल हेडर्स आपको पता है कैसे बनाते हैं, जैसे कि अपन ने बनाया ये टेबल हेडर्स ही है, ये वर्टिकल है टेबल हेडर्स, हॉरिजॉन्टल बनाने हैं तो आप क्या करोगे, अगर आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते, अपने को जो अपना रो है उसके अंदर जो डेटा है उसको कर देना पड़ेगा, जैसे कि अभी जील है, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये सेकेंड रो के अंदर का डेटा है तो उसको मैं TH में डाल दूंगा। सिंपल बात है, अगर देखो बनाना ही है मेरे को यहाँ पर इस जय को मेरे को हेडिंग करना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा सिंपल H लगा दूंगा, हो गया मेरा डेटा ऑलरेडी हेडिंग जैसा, ये देखो बन गया हेडिंग। हेडिंग बनाना है तो TH का यूज़ करेंगे, फिर वो हॉरिजॉन्टल रहो या वर्टिकल रहो। अब अपन अलाइनमेंट भी कर सकते हैं बोलते हैं यहाँ पे, वो कैसे, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी आपको पता है, उससे अपन हेडिंग को क्या कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन, तो इसके अंदर यूज़ करके देखेंगे। सपोज मेरे पास में ये अभी TH है ऊपर का, टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन, इसको अपन लेफ्ट यूज करके देखते हैं, तो नेम देखो लेफ्ट में चले गया, बाय डिफॉल्ट वो बीच में रहते हैं, राइट यूज करके देखते, ठीक है अभी देखते राइट में चिपक जाएगा, ये राइट में चिपक गया, तो टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स के लिए हेडर यूज करना है तो उसके लिए कॉल स्पैन रो स्पैन प्रॉपर्टी रहती है, वो अपना नेक्स्ट टारगेट है, उसको देखने वाले अपन अभी थोड़ी देर में। और एक कैप्शन नाम का बता देता हूँ आपको, अगर आपको कैप्शन चाहिए आपके टेबल के लिए एक बढ़िया सा, ये टेबल किस बारे में है, तो आपको क्या करना है कैप्शन नाम का यूज करना है, जस्ट टेबल के बाद में कैप्शन, कैप्शन दे देंगे आपके इसको, जैसे कि बस टेबल लिखा है आपने उसके बाद में कैप्शन डालो, कैप्शन टैग उसके अंदर हम दे देंगे कि यहाँ पर ये है जनगणना के लिए डेटा, जनगणना ठीक है, जनगणना डेटा मेरे को एक कैप्शन चाहिए इसके लिए, तो देखो जनगणना डेटा आ गया यहाँ पे कैप्शन, तो ऐसे अपन कैप्शन दे सकते हैं। मेन अभी अपन देखते हैं पैडिंग एंड स्पेसिंग, आपको सेल्स के अंदर यानी कि अपना जो डेटा है उसके बीच में स्पेसेस चाहिए होंगे, यहाँ पे अंदर से स्पेसेस जो बोलते हैं उसको बोलते हैं अपन पैडिंग, अंदर से यानी कि चिपक चिपक के रहता है तो उसको खुल खुल के दिखाना है अपने को, उस वक्त बोलते हैं अपन। देखो अभी यहाँ पे हेलो है, ये हेलो कैसा यहाँ से बराबर स्पेस है आजू बाजू से, ये अपन दे सकते हैं पैडिंग की वजह से, तो उसको बोलते अपन पैडिंग। और सेल में अगर आपको देना है तो TH और TD को आपको पैडिंग देना है, बाय डिफॉल्ट पैडिंग इज सेट टू जीरो, टू ऐड पैडिंग ऑन द टेबल सेल यूज द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी, तो वैसे तो रहती नहीं है बोलते, लेकिन आपको देना पड़ेगा यहाँ पे पैडिंग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जैसे अपने TH TD लिखा था, इसमें एक और पैडिंग नाम का ऐड कर देंगे, और पैडिंग में हम
ऐड करेंगे 15 पिक्सल, जिससे कि क्या होगा, अपना जो टेबल है उसमें पैडिंग नहीं है, ऊपर से 15 पिक्सल, नीचे से 15 पिक्सल, साइड से, आजू बाजू से। अगर आपको सिर्फ ऊपर से देना है 15 पिक्सल, तो आप पैडिंग टॉप का यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग के बहुत सारे हैं प्रकार, अगर अपन CS में देखेंगे पैडिंग, देखो आप देख सकते हैं पैडिंग टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। तो अगर आपको सिर्फ ऊपर से चाहिए 15, यानी ऊपर से स्पेस चाहिए, यानी कि आपका नाम लिखा है और उसमें बस आपको ऊपर से स्पेस चाहिए, तो वो क्या करेगा, ऊपर से स्पेस दे देगा उसको, यानी कि यहाँ से देखो ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये 15 पिक्सल हो गया, ये 15 पिक्सल हो गया, ये 15 पिक्सल हो गया, ये 15 पिक्सल है, यानी कि अभी तो अपने उसको राइट करके रखा है ना, अलाइनमेंट करके वो उधर दिख रहा है। मैं अगर इसको हटा दूँ अलाइनमेंट राइट, तो वो उतना बरोबर दिखेगा। तो अभी अपन रहने देते उसमें, क्योंकि आपको काम पड़ेगा और आपको ट्राई करना पड़ेगा एक बार। तो पैडिंग देखो यहाँ पे बता रखा है कि अपन दे सकते लेफ्ट, राइट, बॉटम, और उसके साथ साथ सेल की स्पेसिंग, यहाँ पर सेल स्पेसिंग स्पेस बिटवीन ईच सेल, और हर एक सेल के बीच में जो साइज होती है, यानी कि सेल कौन सी बात कर रहा मैं, ये सेल्स, ये देखो ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, इनके बीच में भी ऑलरेडी 2 पिक्सल की बोलते ये रहती थी, स्पेस रहती थी, लेकिन आप वो बढ़ा सकते, कम कर सकते। ये देखो बाई डिफॉल्ट स्पेस बिटवीन सेल इज 2 पिक्सल, आप उसको कर सकते बॉर्डर स्पेसिंग से, बॉर्डर स्पेसिंग करके एक प्रॉपर्टी है, उससे आप कर सकते उसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टेबल में जाना है, बॉर्डर स्पेसिंग इक्वल टू 30 पिक्सल करना पड़ेगा, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट देते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा टेबल, और टेबल को सिर्फ मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर स्पेसिंग मैं करूँगा 30 पिक्सल, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पर, तो देखो बॉर्डर स्पेसिंग 30 पिक्सल यहाँ पर मिल चुकी है इसको। तो हर सेल के बीच में जो अंतर है वो यहाँ पर वो बताता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन टेबल के बॉर्डर स्पेसिंग कर सकते हैं 30 पिक्सल यहाँ पर टेबल की। द चेंज द स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स, टेबल के सेल्स के बीच में जो चेंज कर रहे हैं अपन, बॉर्डर स्पेसिंग से कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑन द टेबल एलिमेंट। तो ये है,